हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सभी टीमों का स्क्वाड एनालाइज करने वाले हैं, सबका वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेस, सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई टीम का एनालाइज करूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप उसे मिस ना करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो में हम KKR का स्क्वाड एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग KKR का स्क्वाड देख लेते हैं। अगर हम पहले KKR का बैट्समैन का बात करें तो KKR में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह और मनदीप सिंह, ये चार बैट्समैन हैं। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में एंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, नील नारायण, साकिब अल हसन और डेविड विजा, ये कुल छह ऑलराउंडर्स हैं KKR का टीम में। इसके बाद अगर हम विकेट कीपर्स को बात करें, विकेट कीपर्स में रमनुल्ला गुरबाज, नारायण जगदीशन और लिट्टन दास, ये टोटल से तीन विकेट कीपर्स भी हैं। इसके बाद अगर हम बॉलर्स का बात करें तो बॉलर्स में रॉकी फर्गुसन, उमेश यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, टीम साउदी, वैभव अरोरा, सुयास शर्मा और कुलवंत खजोरिया, अनुकुल रॉय, कुल नौ बॉलर्स भी हैं KKR का स्क्वाड में। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटी और प्लेन्स की बात करें तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की इसका बात कर लेते हैं। तो KKR का 2023 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहने वाला है इसका ऑलराउंडर्स। फ्रेंड्स, इसका ऑलराउंडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहने वाला है KKR के पास, क्योंकि इसके पास ऑलराउंडर्स में एंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, साकिब अल हसन और डेविड विजा जैसे प्योर ऑलराउंडर्स है जो सिर्फ बैटिंग और या फिर सिर्फ बॉलिंग नहीं बल्कि दोनों एकदम इक्वली कर सकते हैं। सिर्फ वेंकटेश अय्यर का थोड़ा सा बॉलिंग पॉइंट थोड़ा कमजोर होगा, इसका बैटिंग थोड़ा मजबूत है, मगर सारा ऑलराउंडर्स दोनों काम देखो भी कर सकते हैं, प्रॉपर आपको ऑलराउंडर्स का भूमिका निभाते हुए देंगे। तो KKR का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में वन ऑफ द मेन पॉइंट है इसका ऑलराउंडर्स। इसका ऑलराउंडर्स ताकत होने वाली है KKR टीम की। KKR का ऑलराउंडर्स मैच विनर्स हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि रसल, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण सब वन ऑफ द मैच विनर्स ऑलराउंडर्स है इसका टीम में। तो इसका पहला पॉइंट तो ऑलराउंडर्स का रहने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखें तो इसका दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रहने वाला है स्पिन प्लेयर्स। इसका टीम में स्पिन प्लेयर्स बहुत अच्छा है जो स्पिनर्स को खेल सकता है, क्योंकि इंडियन कंडीशन में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वालिटी स्पिनर्स आएंगे। अगर आपके पास स्पिन प्लेयर्स हैं जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकता है तो आपका मिडिल ऑर्डर में लगातार रन बनते जाएंगे और आपका टीम प्रेशर में नहीं आएगी। तो इसका अगर हम स्पिनर्स प्लेयर्स को बात करें तो श्रेयस अय्यर आपका बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, नीतीश राणा आपका स्पिन खेलता है, वेंकटेश अय्यर आपका बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, आपका रिंकू सिंह स्पिन खेलता है, इसका रहमानुल्ला गुरबाज स्पिनर्स अच्छा खेलता है। तो इसके पास स्पिनर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्पिनर्स इतना क्वालिटी का है, इसके पास ऐसा बैट्समैन है जो स्पिनर्स को इजीली खेल सकता है। तो इसका दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये भी रहने वाला है कि स्पिनर्स इसको टीम को तंग नहीं करने वाली है। इसके बाद अगर हम इस टीम का तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट देखें तो वो रहने वाला है इसका फिनिशर्स। इसके पास बहुत ही विस्फोटक फिनिशर्स है, एकदम देखें तो रसल, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, साकिब अल हसन, डेविड विजा, इतना ऑलराउंडर्स हैं। और अगर इसका प्लेइंग इलेवन का बात करें तो चार नंबर पे नीतीश राणा आने वाले, पांच पे रसल, छह पे रहने वाले हैं रिंकू सिंह, सात पर शार्दुल ठाकुर, आठ पर सुनील नारायण। तो इसका फिनिशर्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है और इसका फिनिशर्स आराम से लास्ट का पाँच से सात ओवर में आपको 100 से 120 रन बना के देने वाला है, या फिर कितनों ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आए, ये एकदम सीनियर्स प्लेयर्स हैं, इसके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपको फिनिश करके ही देगा मैच, ये कंफर्म है। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट में फिनिशर्स भी एक वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट्स रहने वाला है। तो हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट गाइज, मगर सब टीम में कोई ना कोई वीक पॉइंट्स तो होती ही है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं इस टीम का वीक पॉइंट्स का। अगर हम इसका वीक पॉइंट्स देखें तो इसके पास बैक ऑफ लेंथ हीटर्स की कमी है। फ्रेंड्स, जब फास्ट बॉलर्स बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करेगा ना तो उसमें ये लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपका स्पिन बॉलर अच्छा खेलते हैं, नीतीश राणा स्पिनर खेलते हैं, ये तो आपका क्वालिटी है कि आपका फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका स्पिनर्स हैं, मगर बैक ऑफ द लेंथ यहीं पे आपका वीकनेस पहला बन जाता है कि आपके पास बैक ऑफ द लेंथ हीटर्स की कमी है। एक रसल है मगर उसका भी फॉर्म अभी उतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो इस चीज़ का एक कमी रहने वाली है इस टीम में। के बाद अगर हम इस टीम का दूसरा वीक पॉइंट देखें तो वो रहने वाला है इसका फॉर्म कंसर्न या फिर इंजरी कंसर्न, क्योंकि आपका देखिए अभी रसल का फॉर्म अच्छा नहीं है, वेंकटेश अय्यर का पता नहीं है, उमेश यादव का भी उतना पता नहीं है कि T20 में कैसे करेंगे, वरुण चक्रवर्ती का पता नहीं, पिछला सीजन अच्छा नहीं किया था, इस साल कितना अच्छा रहने वाला है तो आपको इसका पता नहीं है। और उसके बाद इंजरी का, रसल का इंजरी प्रॉब्लम है, सुनील नारायण, ये सब आपका इंजरी का प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग इंजर्ड होते हैं, तो ये चीज़ भी आपका एक वीकनेस में आने वाली है, तो ये इसका दूसरा वीकनेस होने वाला है। इसके बाद अगर हम इस टीम का तीसरा वीकनेस देखें तो वो रहने वाला डेथ बॉलिंग। आपने रसल को पिछला साल बहुत ज़्यादा ही डेथ बॉलिंग में यूज किया मगर वो काम नहीं कर पाया था, इसलिए इस बार शार्दुल ठाकुर और लॉकी फर्गुसन को अपने टीम में लाए हैं,
मगर शार्दुल ठाकुर भले विकेट ले लेते हैं मगर रन देते हैं, डेथ में आपको रन पड़ेगी। और लॉकी फर्गूसन का एक मैच अच्छा रहता है, दूसरा मैच अच्छा नहीं रहेगा, तो ये प्रॉब्लम है। लॉकी फर्गूसन कंसिस्टेंटली आपको हर मैच में परफॉर्म करके नहीं देने वाला है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और अभी भी आपको एटलीस्ट एक से दो मैच तो ऐसा होने वाला है जिसमें हर पांच मैच में एक से दो मैच तो आपका जाने वाला है डेथ बॉलर का खराब के वजह से, आपको टीम में ज़्यादा रन्स पड़ने वाला है और आप दबाव में आने वाले हैं। तो आपको अपना डेथ बॉलिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका हर दिन अच्छा नहीं रहने वाला डेथ बॉलिंग में। के बाद अगर हम तीसरा पॉइंट इसका अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज़ तो इसका कैप्टन श्रेयस अय्यर का ही रहने वाला है। श्रेयस अय्यर को अपना कैप्टनशिप पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कैप्टनशिप पे अच्छा करके अगर बैटिंग में भी अच्छा कर देते हैं तो आपको इंडियन टीम में भी अभी आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी कैप्टनशिप का कितना ज़्यादा ही खोज होने वाला है। एक से दो साल में आपको यहाँ रोहित शर्मा छोड़ने वाले हैं और श्रेयस अय्यर तो थ्री फॉर्मेट प्लेयर्स बन सकते हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। श्रेयस अय्यर तो वनडे और टेस्ट का भी परमानेंट प्लेयर्स बन गए इंडियन टीम का। अगर आईपीएल में अच्छा करते हैं तो टी20 में भी परमानेंट स्लॉट्स मिल सकता है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है श्रेयस अय्यर के लिए भी यहाँ पर अपना कप्तानी प्लस एक अपना स्लॉट्स को फिल करने, मतलब इंडियन टीम में अपना जगह वो पक्का करने के लिए। इसके बाद अगर हम दूसरा अपॉर्चुनिटीज देखें तो वो रहने वाला है गुरबाज के पास। गुरबाज ने भी अभी तक आईपीएल में कुछ नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है कि अपना आईपीएल में भी नाम कमाए और यहाँ पर भी कुछ अच्छा करके दे। इसके बाद अगर तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो रहने वाला रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को पिछला साल ज़्यादा मौका नहीं मिला मगर जितना मौका बहुत अच्छा किया, इस साल तो स्टार्टिंग से मौका मिलने वाला है, तो यहाँ पे रिंकू सिंह को अच्छा करना पड़ेगा और उसके पास भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ अच्छा करके देने के लिए। इसके बाद अगर हम केकेआर का प्लान्स का बात करें, जो प्लान्स के साथ ये उतर सकती है आईपीएल का 2023 में, वो रहने वाला है इसको कम से कम पावर प्ले में मैक्सिमाइज करने का सोचना पड़ेगा। अगर ये पावर प्ले में एटलीस्ट 45-50 रन्स बनाने का सोचती है और अगर बना लेती है तो आपका टीम कंफर्म है 180-200 प्लस ही बनने वाला है, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, नीतीश रैना, रसल जैसा हिटर्स हैं जो आपको आराम से स्ट्राइक रेट कभी भी बढ़ा सकते हैं। रसल नीचे में शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, आपके पास डेथ भी है, तो आपका टीम आराम से 180-200 प्लस बनाने वाली है हर मैच में अगर आपको पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट मिलता है। तो केकेआर का यही प्लान होना चाहिए कि एटलीस्ट मैक्सिमाइज करके पावर प्ले में खेलना पड़ेगा। पिछला साल पावर प्ले एकदम केकेआर का सबसे खराब पॉइंट था, तो इस बार उसको ही थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा और सबसे बड़ा प्लेन्स तो वही लेके चलना पड़ेगा कि एटलीस्ट 45-50 रन्स हर पावर प्ले में बनाना पड़ेगा। तो गाइज आज का वीडियो में इतना ही था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।